रविवार को भीमसेना चीफ नवाब सतपाल तवर का काफिला नीमच पहुंचा, जहां भीमसेना चीफ एवं भीमसेना के सदस्यों द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और फवारा चौक स्थित वाल्मीकि की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शहर के मुख्य मार्गों पर रोड शो किया। और इसी के साथ मंदसौर में आयोजित होने वाले भगवान बिरसा मुंडा व संविधान दिवस के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए रवाना हुए। भीमसेना चीफ नवाब सतपाल तवर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि उनका दौरा कार्यक्रम दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश का था। आज हम नीमच पहुंचे हैं, ये महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। इसके साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और वाल्मीकि जी की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण कर रोड शो किया है। नवाब सतपाल ने बताया कि पूरे देश में अत्याचार, दलितों का शोषण, आदिवासियों का शोषण, रेप चरम सीमा पर है। दलितों की जमीन छीनी जा रही है, जंगल छीने जा रहे हैं, साथ ही जाति के नाम पर अत्याचार हो रहे हैं। आज तक ये जो भी सरकार रही है, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, उन्होंने आदिवासियों को ठगा है। आज सामाजिक क्रांति की जरूरत है, जो विद्रोह खड़ा किया जाएगा वो विद्रोह सामाजिक क्रांति की भूमिका निभाएगा। सामाजिक क्रांति से दलितों का शोषण थमेगा व रुकेगा, तब जाकर हम मध्य प्रदेश में उम्मीद कर सकते हैं कि एक उत्तम समाज बन पाएगा। उसी को लेकर यह दौरा कार्यक्रम किया जा रहा है। आज शहर में महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर रोड शो किया गया है और भीम सेना की ताकत दिखाई गई है। आज नीमच से रोड शो कर मंदसौर में आयोजित होने वाले भगवान बिरसा मुंडा की जयंती एवं संविधान दिवस के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर आम सभा को संबोधित किया जाएगा। हम दिल्ली और हरियाणा दो प्रदेश क्रॉस करते हुए राजस्थान पहुंचे और राजस्थान को क्रॉस करते हुए आज मध्य प्रदेश पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश हम रात को ही आ गए थे। ये दौरा एक नीमच का ही नहीं है, ये दौरा हरियाणा का भी रहा, दिल्ली का भी रहा और राजस्थान का भी रहा। लेकिन जो बाद में आखिरी पड़ाव आ करके अगर मध्य प्रदेश आया है, तो मध्य प्रदेश के अंदर हम नीमच में रुके हुए हैं। नीमच में आपको पता है कि एक घटना बहुत ही दर्दनाक घटित हुई थी। एक दलित लड़के को, युवा को गाड़ी से बांध करके उसको घसीटा गया, तो उसकी मौत हो गई थी। तो ये एक वानगी भर है। पूरे प्रदेश में अत्याचार, दलितों का शोषण, रेप, आदिवासियों का शोषण चरम सीमा पर पहुंच चुका है। जमीनें छीनी जा रही है, लूटी जा रही है, जंगल छीने जा रहे हैं, साथ ही जाति के नाम पर अत्याचार होते हैं। आज तक यहाँ जो भी सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, ठगा है उन्होंने। आज सामाजिक क्रांति की जरूरत है, वो विद्रोह खड़ा किया जाएगा जो विद्रोह एक सामाजिक क्रांति की भूमिका निभाएगा। और सामाजिक क्रांति से जब दलितों का जो शोषण हो रहा है ना, वो थमेगा, वो रुकेगा, तब जा करके मध्य प्रदेश में एक उत्तम, हम जो है उम्मीद कर सकते हैं कि एक उत्तम समाज बन पाएगा। देखिए, अभी नीमच में यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी की आज पुण्यतिथि भी है, हम उनको नमन करेंगे और माल्यार्पण करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। और जो भी हमारे महापुरुषों के रास्ते में तस्वीरें हैं, या बाबा साहब अंबेडकर जी की भी प्रतिमा लगी हुई है वहाँ भी, और साथ में यहाँ सरदार उधम सिंह जी की भी प्रतिमा है वहाँ पर भी, हम लोग माल्यार्पण करते हुए और पूरे शहर के अंदर रोड शो करते हुए भीमसेना अपनी ताकत दिखाएगी। हमारे पास में जिस तरह से हमने देखा है कि मध्य प्रदेश के अंदर जब भी कोई भी सामाजिक संगठन उफान पर आता है, सरकार उसको दबाने का काम करती है। लेकिन आज हमारे साथ मध्य प्रदेश में जो पदाधिकारी हुआ, इतनी बड़ी तोप है कि जो सरकार को झुकाना जानते हैं। हम लोग यहाँ से रोड शो पूरा विशाल काफिला निकालते हुए मंदसौर पहुंचेंगे। मंदसौर में विशाल जनसभा रखी गई है। भगवान बिरसा मुंडा की जो है जयंती थी उसके उपलक्ष्य में, और संविधान दिवस रहा उसके उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम रखा गया है। तो वहाँ पर जनसभा को संबोधित किया जाएगा, बाकी सारी बातें, और मैं उम्मीद करूँगा मीडिया भी वहाँ पहुँचे जरूर, और वहाँ पर जो भी बातें हों उसको पूरी तरह से कवर किया जाए, ताकि ये बात पूरे मध्य प्रदेश के बच्चे बच्चे तक पहुँचनी चाहिए। जो अब तक हो रहा है अब नहीं होगा। नीमच से आसिफ अली की ये रिपोर्ट।